बात करी और अनुष्का को गाइड करते हुए स्पेशल फोर्स मिलिट्री बेस के एंट्रेंस तक ले आया। अनुष्का जैसे ही स्पेशल फोर्स मिलिट्री बेस के एंट्रेंस पर खड़ी हुई, उसने अर्जुन को सामने इंतजार करता हुआ पाया। अर्जुन जैसे ही मीटिंग से फ्री हुआ था, वो तुरंत ही एंट्रेंस पर आकर खड़ा हो गया था। उसकी नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी, जहां से जो गाड़ी अंदर आती थी वो उसे देखता। करीबन 20 मिनट से वो वहीं पर टहलता हुआ अनुष्का का इंतजार कर रहा था। अनुष्का ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसके कदम पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगे थे। वहीं अर्जुन सुबह ही अनुष्का से मिला था, लेकिन फिर भी अभी उसे सामने पाकर उसका मन किया कि वो दौड़कर उसे गले से लगा ले। हालांकि वो अपनी लिमिट जानता था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर अनायास एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अर्जुन को इस तरह से देखकर तो निशान भी बहुत शॉक था। अर्जुन के करीब जाते जाते अनुष्का ने नोटिस किया कि बिल्डिंग के साइड वाली दीवार के पास से काफी सारे लोग चुप चुप कर उन्हीं की तरफ झांक रहे थे। अनुष्का को समझ नहीं आया कि वो लोग उसे इस तरह से क्यों देख रहे थे। उसे अंदाजा ही नहीं था कि अर्जुन की एंगेजमेंट की खबर से मिलिट्री बेस में कितना हंगामा हुआ था। और जब एक सोल्जर को पता चला कि अर्जुन की फियांसे मिलिट्री बेस आने वाली है, तो ये खबर तो आग की तरह बाकी सोल्जर्स में भी फैल गई थी। और उन्हीं में से कुछ लोग हिम्मत करके वहां पर अनुष्का को देखने आए थे। अर्जुन की नजरें खुद पर पाकर अनुष्का अंदर से बहुत शाई फील कर रही थी। उसके चेहरे पर भी शर्म का गुलाबीपन साफ साफ नजर आ रहा था। उसकी यादाश्त आने से पहले वो अर्जुन से बेतहाशा नफरत करती थी, इतनी कि उसकी शक्ल तक देखना उसे गवारा नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि उसी की तरह अर्जुन भी मायरा और उसकी मॉम की जाल में फंस गया था। वहीं अर्जुन को भी अनुष्का के उसके प्रति इस बिहेवियर में डिफरेंस समझ में आने लग गया था। और अनुष्का को अपने इतने पास देखकर उसके मन में अभी भी डर था कि कहीं वो दोबारा से उससे उतनी ही नफरत ना करने लग जाए। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, अनुष्का की आंखों में मैं अपने लिए नफरत नहीं सहन कर सकता। वैसे ही अनुष्का का मिलिट्री बेस में ये पहला विजिट था। हालांकि वो यहाँ पर कमांडर इन चीफ की बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से आई थी, लेकिन फिर भी ये वही जगह थी जहाँ पर अर्जुन अपना पूरा दिन गुजारता था, जहाँ पर वो रहता था। जैसे ही उसने अनुष्का को जमीन पर देखा, उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ गई। उसका घर था और अनुष्का का उसके घर में पहला कदम। अर्जुन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और सिर्फ अनुष्का का नाम ही ले पाया था। इतने में ही पीछे से विसल्स और हूटिंग्स की आवाजें आने लगी। उनकी आवाज सुनकर अनुष्का समझ गई थी कि बाकी के सोल्जर्स उसे और अर्जुन को टीज कर रहे थे। जब सोल्जर्स ने नोटिस किया कि अर्जुन उन्हें बिल्कुल नहीं डांट रहा है, बल्कि अर्जुन के चेहरे पर तो स्माइल है, तो उनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई और विसल्स और हूटिंग की आवाज और जोर जोर से आने लगी। अनुष्का उनकी हरकत से बिल्कुल हैरान थी और अब वो और शाय फील करने लगी थी। वहीं अर्जुन के चेहरे पर प्राउडनेस साफ साफ नजर आ रही थी। सोल्जर्स ने जब मेन एंट्रेंस पर अर्जुन को अनुष्का को देखकर इस तरीके से जेंटली स्माइल करते हुए देखा, तो उनके मन में तो पहला ख्याल यही आया कि उनका कोल्ड डेविल तो ये हो ही नहीं सकता है। अर्जुन का ये जेंटल अपीयरेंस उसके कोल्ड अपीयरेंस से बिल्कुल ऑपोजिट था, जो कि सोल्जर्स रोज देखा करते थे। अनुष्का ने धीरे से तिरछी नजर से एंट्रेंस की तरफ देखा तो वो शॉक रह गई। पहले तो वहां पर 10 से 15 लोग ही थे और अब तो 100 से भी ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर नजर आ रही थी। इतने सारे लोगों को देखने से अनुष्का चाहे कितना भी शांत रहने की कोशिश करती, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एम्बैरेसमेंट नजर आने लगी थी। और अभी उसने अपने इमोशंस को संभाला ही था कि एक सोल्जर के चिल्लाने की आवाज आई, हेलो बाबी। इस बार तो अनुष्का का चेहरा बिल्कुल ही शर्म से लाल हो गया था। इसके बाद एक नहीं बल्कि सारे के सारे सोल्जर्स एक साथ जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबी बाबी बाबी। अनुष्का के चेहरे पर भी गुस्से की बजाय शर्म देखकर अर्जुन को बहुत राहत महसूस हुई। उसे लगा नहीं था कि अनुष्का इस तरीके से रिएक्ट करेगी। ये तो छोड़ो, उसे ये तक नहीं लगा था कि उसके सोल्जर्स इस तरीके से बिहेव करेंगे। उसने जब अनुष्का को सिमटते हुए देखा, तब जाकर उसने सोल्जर्स की तरफ नजर उठाकर घूरा। जब सोल्जर्स ने उसे देखा कि आज उन्हीं की तरफ वो कोल्डली देख रहा है, तो फिर वो हड़बड़ी में फटाफट वहां से भाग निकले। निशांत वही अनुष्का के पीछे खड़ा था। अर्जुन ने निशांत की तरफ देखकर कहा, मैं और अनुष्का डर करके 1 घंटे में अंकल के पास से आते हैं, तुम उन्हें इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर उसने अनुष्का की तरफ देखकर उसे साथ चलने का इशारा किया। अनुष्का ने तुरंत ही निशांत की तरफ देखकर कहा, अंकल से कहना कि अभी नाइट वाली मेडिसिन ना ले। जवाब में निशांत ने हां में सर हिलाया और कहा, ठीक है तुम लोग डर करके आओ, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अर्जुन और अनुष्का पलट कर वहां से जाने वाले थे कि निशांत ने उन्हें रोकते हुए कहा, वेट अर्जुन भाई, आप प्लीज अविनाश की हरकतों से नाराज मत होना, मैं उसे समझा लूंगा, वो अभी भी बच्चा ही है, प्लीज आप उसकी हरकतों को सीरियसली मत लेना। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया कि निशांत किसके बारे में बात कर रहा है, और वहीं अनुष्का उसकी चाल समझने लगी थी। अर्जुन ने निशांत की तरफ कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, क्या मतलब, कैसी हरकत है? अर्जुन की ये बात सुनकर निशांत एकदम हैरान था। उसने एक नजर अनुष्का की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ देख रही थी। तभी उसके मन में एक सवाल आया, क्या अर्जुन भाई को अविनाश के इंटेंशन के बारे में नहीं पता? और वहीं निशांत को देखकर अनुष्का के मन में ख्याल आया, इस तरीके का डबल डीलर इंसान माया के बिल्कुल मैच है। तभी अर्जुन की गंभीर आवाज सुनाई दी, मैंने कुछ पूछा तुमसे अविनाश क्या हरकत, और तुम अनुष्का को ऐसे क्यों देख रहे हो? अर्जुन के सवाल पर निशांत हड़बड़ा गया था। वो समझ गया था कि अब अर्जुन को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जल्दी उसके मन में ख्याल आया और उसने जानबूझकर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे करे जिससे कि ये लगे कि उसे एंबैरेसमेंट हो रही है। उसने एक नजर दोबारा अनुष्का को देखा और फिर सर झुका लिया। उसके एक्सप्रेशन से ये क्लियर नजर आ रहा था कि वो अनुष्का के किसी प्राइवेट मैटर को छुपा रहा था और अर्जुन के सामने वो यही दिखाना चाहता था। अनुष्का चुपचाप निशांत के इस डबल फेस्ड हरकत को देख रही थी। उसे देखकर अनुष्का ने मन ही मन सोचा, ये तो मायरा से भी बेहतर एक्टर है, तभी तो अविनाश इस इंसान से इतनी नफरत करता है। उसे समझ आ गया कि निशांत किस तरीके से अविनाश के डैड को काबू करके रखता होगा। तभी निशांत ने हिचकिचाते हुए कहा, अब वो भाई अविनाश अविनाश अनुष्का को पसंद करता है। निशांत का इतना ही कहना था कि अर्जुन के दिल पर यह बात बम की तरह गिरी। अर्जुन को अंदर से बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनुष्का के सामने उसने बात को आगे ना बढ़ाते हुए निशांत से कहा, जाकर अंकल को इन्फॉर्म कर दो।
ये कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाकर अनुष्का का हाथ पकड़ा और उसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। निशांत वहीं खड़ा उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। अर्जुन वहां से चला तो गया था, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे थे जिसने उसे अंदर से हिला कर रख दिया था। अनुष्का तिरछी नजरों से अर्जुन के चेहरे पर आए बदलावों को देख रही थी। अर्जुन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर अनुष्का को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और उसे वहीं रोक लिया। उसके सामने मुस्कुराती हुई वो खड़ी हुई और अर्जुन से पूछा, अविराज मुझे पसंद करता है क्या, इस बात से तुम नाराज हो? अर्जुन ने अपने होंठ खींच लिए और फिर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, नहीं ये उसका गुड लगा कि वो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम्हें भूख लगे, चलो डिनर करते हैं। ये कहकर अर्जुन ने बात पलट दी, लेकिन कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि उसके दिल में क्या बीत रही थी। उसका मन किया कि अनुष्का को वो पूरी दुनिया से छुपाकर सिर्फ अपने पास रख ले, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ उसकी एक अधूरी विश थी। अनुष्का ने अर्जुन का चेहरा देखा तो उसने मन ही मन ही गहरी सांस ली। वो समझती थी कि अर्जुन को इस बात से फर्क पड़ता था, लेकिन वो उसके सामने जताना नहीं चाहता था और अनुष्का का दिल नहीं चाहता था कि अर्जुन इस बात से परेशान हो। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप अर्जुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, मैं और अविराज कॉलेज से पहले कभी नहीं मिले, रैंक के अकॉर्डिंग मैं और वो लास्ट बेंच पर बैठते हैं, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और उसने कई बार लोगों के सामने मुझे डिफेंड किया और मेरे ख्याल से तुम भी जानते हो अविराज को, वो कितना चाइल्डिश और इमेच्योर सा है, पता नहीं उसके सबे कहाँ से पूछ सवाल हो गया कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन मुझे पता है रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, उसने उस टाइम तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन पता नहीं आज उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरा फियांसे निशांत है और यही सोचकर उसने उससे लड़ाई कर ली थी। अभी निशांत आपको यही बताना चाह रहा था, आपको इसके बारे में ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी जब उसने मुझे कन्फेस किया था तो मैंने उसे साफ साफ कहा था कि मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ और मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अर्जुन ने जब अनुष्का की पूरी बात सुनी तब वो एकदम से ही शांत हो गया था, उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो गया था। उसे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि अनुष्का ने अविराज के सामने डिक्लेयर किया था कि वो ऑलरेडी इंगेज है। जब अनुष्का को अर्जुन की आंखों में रौनक लौटती हुई दिखी तब उसे एक नॉट सा ख्याल आया। उसने अर्जुन को टीस करते हुए कहा, वैसे भी ना मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद आते जो बहुत चाइल्डिश और बिल्कुल मैच्योर ना हो, मुझे तो टॉल माइटी अपराइट मैच्योर राइटियस रिलायबल और स्ट्रॉन्ग मैन अच्छे लगते हैं। अनुष्का अर्जुन के थोड़ा सा पास आई और धीरे से उसके कान में कहा, जस्ट लाइक यू। अनुष्का का इतना ही कहना था कि अर्जुन की आंखें सरप्राइज से फटी की फटी रह गई। दो मिनट तक तो उसे अपने ब्रेन को काबू करने में लग गया। अनुष्का तो अपनी बात कहकर आगे निकल गई थी, लेकिन अर्जुन वहीं पर खड़ा रह गया था। अनुष्का जब अपनी चॉइस बता रही थी तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो उसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन अनुष्का के आखिरी शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अनुष्का के परफ्यूम की स्मेल उसे अभी भी महसूस हो रही थी। अर्जुन हमेशा से सबसे आगे रहा है, बचपन से उसे अपनी अचीवमेंट को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सारे लोगों ने उसकी कई बार तारीफ भी करी है। हालांकि अनुष्का के मुंह से इनडायरेक्टली अपनी तारीफ सुनकर अर्जुन को मेडल मिलने से भी ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी। अर्जुन मन ही मन खुद पर बहुत प्राउड फील कर रहा था कि कम से कम अनुष्का उसे उन लोगों में तो गिनती है जिस तरीके के लोगों को वो पसंद करती है। फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी था। प्राउड स्माइल के साथ उसकी नजर अनुष्का पर पड़ी जो पलट कर उसी की तरफ देख रही थी और वो तेजी से चलता हुआ अनुष्का के बगल में आ गया। वो अनुष्का को लेकर मिलिट्री बेस के मेस पर गया। इस वक्त वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ सोल्जर्स थे जो उसे और अनुष्का को हैरानी से देख रहे थे। इन्हीं में से कुछ सोल्जर्स को पता था कि अनुष्का कौन थी, लेकिन अर्जुन का कोल्ड चेहरा देखकर वो गॉसिप करने तक की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने अनुष्का को बैठने को कहा और उठकर ऑर्डर देने को वो जाने ही वाला था कि तभी उसके स्पेशल फोर्स टीम का एक मेंबर मनीष सामने से आया और उसे ऑफर किया, सर आप या भाभी के साथ बैठे और मुझे बता दीजिए आप दोनों क्या लेना पसंद करेंगे, मैं जाकर आप लोगों के लिए प्लेट लाता हूं। करीबन एक घंटे बाद डिनर करने के बाद अर्जुन अनुष्का मेस से बाहर आ गए। उनके बाहर निकलते ही सोल्जर्स के बीच में खुसर-पुसर शुरू हो गई थी। थोड़ी देर में सबको पता चल गया था कि अनुष्का कौन थी। उनमें से काफी लोग थे जो अर्जुन और अनुष्का को एक साथ देखकर उनके लिए काफी सपोर्टिव थे और वहीं कुछ लोगों को लगता था कि अनुष्का बिल्कुल भी अर्जुन के लायक नहीं थी। उनका मानना था कि अर्जुन सर जैसी पर्सनालिटी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग लड़की उनके साथ होनी चाहिए थी जो उनका सपोर्ट कर सके, और अनुष्का का फिगर देखने में बिल्कुल ही कोमल था कि कोई उसे हाथ लगाए तो वो गुड़िया जैसी टूट जाए। उन्हीं लोगों में से एक और लड़की थी जिसे अनुष्का और अर्जुन के रिलेशनशिप से ऐतराज था। इस बात से बेखबर अर्जुन अनुष्का को लेकर शेरगिल अंकल के रूम में आया। शेरगिल अंकल और निशांत ऑलरेडी उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। अनुष्का को सामने देखकर शेरगिल अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अनुष्का। अनुष्का ने भी मुस्कुराकर भी ग्रीट किया। वहीं दूसरी तरफ अविराज की मिस पहुंच चुका था। कार ने अविराज को पहचान लिया था और इसलिए उसे अंदर आने के लिए एंट्री भी दे दी। कार से उतरते ही अविराज भागता हुआ अपने डैड के रूम की तरफ निकल गया। शेरगिल अंकल के रूम के सामने पहुंचकर अविराज ने जोर से दरवाजा धकेलकर खोल दिया और जो उसने सामने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई।